फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ पांच ऐसा फेज वर्ड जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सभी फेज वर्ड हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, एक एक करके इन सभी फेज वर्ड्स को सीखें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है गोवान। गोवान का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब आपको कहना कि कोई काम जारी रखो, जैसे पढ़ाना जारी रखो, Go on teaching, काम करना जारी रखो, Go on working, लिखना जारी रखो, Go on writing, बात करना जारी रखो, Go on talking। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्ड समझ में आया कि जब आपको किसी से कहना हो कि कोई काम करना जारी रखो तो आप go on के साथ ing form का इस्तेमाल करके अपने sentences को बोलेंगे। Go down का मतलब होता है कम हो जाना, जैसे कीमत का कम हो जाना। अगर आपको कहना हो कि पेट्रोल की कीमत कम हो गई है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज गॉन डाउन, यानी पेट्रोल की कीमत कम हो गई है। चीनी की कीमत कम हो रही है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द प्राइस ऑफ शुगर इज गोइंग डाउन, यानी चीनी की कीमत कम हो रही है। अगर आपको कहना हो कि चावल की कीमत घट रही है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द प्राइस ऑफ राइस इज गोइंग डाउन, यानी चावल की कीमत घट रही है। आइए फ्रेंड्स, अगला फेज वर्ड देखते हैं। गो अप का मतलब होता है बढ़ना, जैसे अगर आपको कहना हो किसी चीज की कीमत बढ़ रही है तो आप गो अप का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे, जैसे चीनी की कीमत बढ़ रही है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द प्राइस ऑफ शुगर इज गोइंग अप, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज गोइंग अप, मोबाइल की कीमत बढ़ गई है। द प्राइस ऑफ मोबाइल हैज गॉन अप, यानी मोबाइल की कीमत बढ़ गई है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि जब आपको कहना हो किसी चीज की कीमत बढ़ गई है तो आप गो अप का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। फ्रेंड्स, अक्सर हमें अपने लाइफ में ये सेंटेंस बोलना ही पड़ता है जहाँ हम कहते हैं लाइट चली गई, या लाइट कब गई, या लाइट क्यों गई। तो फ्रेंड्स, जब आपको कहना हो लाइट चली गई या लाइट का जाना तो आप गो आउट का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे अगर आपको कहना हो कि लाइट कब गई तो आप कहेंगे व्हेन डिड द लाइट गो आउट। अगर आपको कहना हो कि लाइट क्यों गई तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाई डिड द लाइट गो आउट, यानी लाइट क्यों गई। अगर आपको कहना हो कि लाइट चली गई तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द लाइट वेंट आउट, यानी लाइट चली गई। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ काफी बात याद रखेंगे कि जब आपको कहना हो बिजली चली गई या लाइट चली गई तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप गो आउट का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। आइए फ्रेंड्स, लास्ट फेज वर्ड देखते हैं। गो अहेड का मतलब होता है किसी काम के साथ बने रहना, यानी किसी काम को जारी रखना। जैसे ईमानदारी से काम को जारी रखो तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे गो अहेड विद ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी से काम को जारी रखो। अगर आपको कहना हो कि सब्र के साथ काम को जारी रखो तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे गो अहेड विद पेशेंस, यानी सब्र के साथ या धैर्य के साथ अपने काम को जारी रखो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों फेज वर्ड्स आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अब आप प्ले स्टोर से मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।